आज हमें मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन पढ़ना है। तो हमारे पास दो तरह के हमारे पास एस्टिमेशन मेथड्स हैं। नंबर वन जो है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, नंबर टू है आपका सेंटर लाइन मेथड। द क्वांटिटीज लाइक अर्थवर्क फाउंडेशन कॉन्क्रीट ब्रिकवर्क इन प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर एटसेट्रा कैन बी वर्कड आउट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। तो देर आर टू मेथड्स, नंबर वन इज लॉन्ग वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, नंबर टू इज सेंटर लाइन मेथड। इन दो मेथड की हेल्प से हम डिफरेंट क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे अर्थवर्क कैलकुलेट करना है तो अर्थवर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, फाउंडेशन में कॉन्क्रीट कैलकुलेट करनी है कितनी कॉन्क्रीट लग चुकी है, वो कॉन्क्रीट कितनी क्वांटिटी की कॉन्क्रीट लग चुकी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रिकवर्क कितना हो चुका है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रिकवर्क भी अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में कितना ब्रिकवर्क हो गया, ठीक है, फाउंडेशन में कितना ब्रिकवर्क हो गया। तो दीज आर टू मैथड्स विद दी हेल्प ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट दी क्वांटिटीज ऑफ द मटीरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मैथड। सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मैथड के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मैथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मैथड। तो इन दिस मैथड द वॉल along the length of the room is considered to be long wall, while the wall perpendicular to the long wall is said to be short wall. To get the length of long wall or short wall, calculate first the center line length of the individual walls. So, जैसे कि हमारे पास मान लिया ये रूम है और इस रूम में एक ये वॉल है और एक ये वॉल है। तो हमारे पास एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये है और एक वॉल ये है। तो आप इसको, आपको इस फिगर में चार वॉल दिख रही हैं, वॉल वन टू थ्री फोर। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सी वॉल लॉन्ग वॉल है और कौन सी वॉल शॉर्ट वॉल है। तो लॉन्ग वॉल बताने के लिए सबसे सिंपल मेथड होता है कि अगर हम इसको यहां से एक्सटेंड कर दें और लॉन्गेस्ट वॉल की जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक की लें, तो ये वॉल आपकी बन जाएगी लॉन्ग वॉल। तो ऐसे ही हमने इसको यहां से आगे एक्सटेंड कर दिया और यहां से लेके यहां तक की लेंथ को हमने क्या कह दिया, लॉन्ग वॉल। ये आपकी लॉन्ग वॉल होगी। शॉर्ट वॉल कौन सी है, जो आपके इस बीच में आपकी बच रही है वॉल, ये वॉल आपकी, ये दो वॉल आपकी दिख रही हैं, ये दो वॉल आपकी शॉर्ट वॉल है। दिस इज द शॉर्ट वॉल। तो देर आर इन दिस फिगर देर आर टू लॉन्ग वॉल्स, दो हमारे पास लॉन्ग वॉल है और दो हमारे पास शॉर्ट वॉल है। अब हमें हमारा जो प्रोसेस है इस पूरे यानी कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के अंदर, हमें लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है और शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से हम लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से हम शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हम इसके अंदर दोबारा से हम लोग इस फिगर बना लेते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी
शॉर्ट वॉल की लेंथ किस तरह कैलकुलेट करेंगे और लॉन्ग वॉल की लेंथ किस तरह कैलकुलेट करेंगे। दोबारा से एक फिगर बना लेते हैं। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये पूरी लेंथ आपकी लॉन्ग वॉल है तो हुआ क्यों नहीं है तो इसमें हमें अगर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मैच शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। इसके अंदर हमारे पास दो शॉर्ट वॉल्स हैं और दो ही हमारे पास लॉन्ग वॉल हैं। तो अगर मैं इसको यहां तक पूरा लूंगा तो ये वॉल आपकी पूरी लॉन्ग वॉल हो जाएगी और ये वॉल आपकी पूरी लॉन्ग वॉल हो जाएगी और ये वॉल जो है आपकी शॉर्ट वॉल हो जाएगी, हमारे पास इसमें दो लॉन्ग वॉल आ गई, दो शॉर्ट वॉल आ गई। हमें कैलकुलेट करना है कि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है। तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक सेंटर लाइन बना लेते हैं पूरे फिगर की, जो आपका रेक्टेंगल है इस पूरे में जो वॉल्स है उनकी सेंटर लाइन लेते हैं। तो जो पहली सेंटर लाइन आएगी, दिस इज योर फर्स्ट सेंटर लाइन। दूसरी सेंटर लाइन आपकी ये आ गई, यानी कि दोनों लॉन्ग वॉल से हमने सेंटर लाइन बना दी, यानी कि इस लॉन्ग वॉल से सेंटर लाइन बना दी और इस लॉन्ग वॉल से भी सेंटर लाइन बना दी। अब जो दूसरी शॉर्ट वॉल है उसकी भी सेंटर लाइन बना लेंगे हम। तो जो दूसरी शॉर्ट वॉल, ये तीसरी जो शॉर्ट वॉल है, तीसरी वॉल है उसकी हमने सेंटर लाइन बना ली, इसकी हमने सेंटर लाइन बना ली। अब इन सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है आपकी, x है, this distance is x, और short wall की जो center lines हैं उनके बीच की जो distance है वो y है। यानी कि हमने कहा कि जो दो long wall हैं उनकी जो center line है उसके बीच की distance कितनी है x, और दो short walls जो हैं उनकी जो center line है उनके बीच की जो distance है वो है y। तो x y are the distance between the center lines, और center line कौन कौन सी हैं आपकी, ये इसमें ये आपकी सेंटर लाइंस हैं, दीज आर द सेंटर लाइंस, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब इसके अंदर गिवन रहेगा कि जो ये आपकी वॉल है उसकी थिकनेस कितनी है। वॉल की थिकनेस, जो दीवार है उसकी थिकनेस तो आपको पता ही होगी, ठीक है। मान लिया इस दीवार की जो थिकनेस है वो आपकी जेड मीटर्स, जेड मीटर्स की थिकनेस है, यानी कि हर जगह पे भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। मान लिया यहाँ पे भी इसकी थिकनेस कितनी है, जेड मीटर, यहाँ पे भी इसकी थिकनेस कितनी है, जेड मीटर, जेड थिकनेस है, और यहाँ पे भी इसकी थिकनेस कितनी है, जेड मीटर। तो अब अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा कि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी, ये आपकी लॉन्ग वॉल है यहां से लेके यहां तक, तो ये वाई तो आएगा ही आएगा, ये वाई तो आना ही आना है, प्लस
यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो वॉल है उसकी थिकनेस की हाफ, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये होगी इस वॉल की थिकनेस की हाफ। और यानी कि ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, इधर वाली, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी वॉल की थिकनेस की, यानी कि वॉल की थिकनेस कितनी है जेड, जेड बाय टू, और ये वाली कितनी होगी जेड बाय टू, दोनों जेड बाय टू है। तो अगर मैं इस वाई में जेड बाय टू और जेड बाय टू जोड़ दूं तो मेरे पास पूरी लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी, पूरी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की लेंथ मिल जाएगी हमें, यहां से लेके यहां तक की लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पूरी लॉन्ग वॉल की लेंथ चाहिए। इस पूरी जो ये वॉल है आपकी, लॉन्ग वॉल है, ये पूरी लॉन्ग वॉल है, इस पूरी लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी, वाई प्लस जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू, तो वाई प्लस जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू, यानी कि हम कह सकते हैं कि वाई प्लस जेड बाई टू और जेड बाई टू क्या हो जाएगा, जेड, यानी कि वाई में अगर जेड को हम जोड़ देंगे तो आपकी आ जाएगी लॉन्ग वॉल की लेंथ। सिमिलरली अगर मुझे शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो सबसे पहले हम शॉर्ट वॉल की जो सेंटर लाइन है उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस हमें दिख रहा है कि x है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट, हमारा टारगेट है कि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी होगी, x तो आएगा ही आएगा इस लेंथ में, अगर हम ये लें तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं दिस, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक जो है आपका पूरा हमें ये कैलकुलेट करना है, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। अगर मैं x में से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं तो हमें इस शॉर्ट वॉल की लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट वॉल सिर्फ कहां से लेके कहां तक है, यहां से लेके यहां तक ही शॉर्ट वॉल है, ये सिर्फ इतना ही शॉर्ट वॉल है, सिर्फ इतनी ही लेंथ है ये शॉर्ट वॉल। तो अगर मैं इस एक्स में से, क्योंकि सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है एक्स, और एक्स में से अगर हम ये वाली डिस्टेंस हम माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, पूरी थिकनेस की तो हाफ है, ये यहां से लेके यहां तक थिकनेस है, वॉल की थिकनेस है, वॉल की थिकनेस कितनी है जेड, और जेड का जेड बाई टू कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ ही तो है, वॉल की थिकनेस का हाफ ही तो है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जेड बाई टू है, और ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो जेड बाई टू। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस जेड बाई टू माइनस जेड बाई टू, दिस इज जेड, दिस इज टू, तो x माइनस जेड बाई टू और जेड बाई टू कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस जेड। तो अगर हम x में से z माइनस कर देंगे तो हमारे पास शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस आ जाएगी, शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ। यही इसके अंदर कहा गया है कि इन दिस मेथड द लॉन्ग वॉल एंड द वॉल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रूम इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग वॉल, वाइल द वॉल परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग वॉल the wall perpendicular to long wall is said to be short wall. तो हमने देखा कि जो ये wall है ये तो long wall है, और इसके perpendicular जो length है वो आपकी short wall है, तो इस ये जो long wall है उसके perpendicular जो wall है वो आपकी short wall है। To get the length of the long wall or short wall, calculate first the center line लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्स। तो यही हमने करा कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करा, उसकी सेंटर लाइंस, जो भी वॉल लॉन्ग वॉल थी या शॉर्ट वॉल थी उनकी सेंटर लाइंस हमने बना ली, और उनकी सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस हमने नोट कर ली। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा गया, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आउटसाइड डायमेंशन मे बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग हाफ ब्रेथ ईच एंड टू इट सेंटर लाइन लेंथ। तो हमने क्या किया, लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करने के लिए, लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करने के लिए क्या, हमने जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी उसमें हमने वन विड्थ ऐड कर दी। क्या करा हमने, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में, यानी कि वाई जो थी वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी, उसमें हमने वन विड्थ, वन वॉल की विड्थ, जेड इज द वॉल विड्थ,
तो एक वॉल की विड्थ हमने ऐड कर दी। वहीं हमने दूसरी तरफ क्या किया, दस द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल मेजर्ड इनटू इन एंड मे बी फाउंड बाय डिडक्टिंग हाफ ब्रेड्थ फ्रॉम इट सेंटर लाइन लेंथ एच एट ईच एंड। तो जैसे कि हमने देखा कि लॉन्ग वॉल में तो हम क्या करते हैं, वन ब्रेड्थ को ऐड कर देते हैं, यानी कि जो भी सेंटर लाइन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी वाई, और उसमें हमने वन ब्रेड्थ को ऐड कर दिया। ब्रेड्थ क्या है ये, वॉल ब्रेड्थ, एक वॉल की ब्रेड्थ को हमने ऐड कर दिया। वहीं अगर हमें शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो शॉर्ट वॉल आपकी ये है, ये आपकी शॉर्ट वॉल है, ठीक है, ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है ये पूरी शॉर्ट वॉल है। इसमें क्या करेंगे हम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, एक्स है, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है एक्स, तो यहाँ पे एक्स में से हमने वन ब्रेड्थ को माइनस कर दिया, यानी कि हम यहाँ पे अगर इसको मैं लिखूं तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वन ब्रेड्थ, यानी कि लॉन्ग वॉल में हमेशा लॉन्ग वॉल को कैलकुलेट करते समय हमेशा हम एक ब्रेड्थ को ऐड करते हैं, वॉल की वन ब्रेड्थ को हम ऐड करते हैं, और शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसमें वन ब्रेड्थ माइनस करते हैं, ठीक है, ये सिंपल इसका थंब रूल है एक तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थवर्क टू द ब्रिकवर्क इन द सुपरस्ट्रक्चर वाइल द शॉर्ट वॉल इंक्रीजेस, दीज लेंथ्स आर मल्टीप्लाइड बाय द ब्रेड्थ। तो यहां हम क्या कहना, ये कहना चाह रहा है कि जब भी आपका मान लिया इस तरीके से आपका फाउंडेशन होती है, ये निचले वाली में क्या होगा, ये कंक्रीट है मान लिया आपका, दिस इज कंक्रीट, और ये आपकी एक फाउंडेशन होगी फर्स्ट फाउंडेशन, ये आपकी सेकंड फाउंडेशन हो गई, ठीक है, उसके बाद ये आपका सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो जैसे आपका निचले वाला है ये वाला, इसका एक प्लान बनेगा, ऐसे ही इस वाली फाउंडेशन का भी एक अलग प्लान बनेगा, और ऐसे ही इस वाली फाउंडेशन का भी एक अलग प्लान बनेगा। तो इसका जो प्लान होगा उसकी जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल होगी वो अलग होगी, इस प्लान की लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल अलग होगी, और इस प्लान की लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल अलग होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल यूजली डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थ वर्क टू द ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो हमेशा लॉन्ग वॉल जो होगी, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे तो लॉन्ग वॉल की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और शॉर्ट वॉल की लेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसके अंदर जो है नेक्स्ट जो है हम देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, कि इस फिगर के अंदर आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कौन सी लॉन्ग वॉल है। तो ये दिख रही है आपको यहां से यहां लेके यहां तक, ये पूरी लॉन्ग वॉल है, और ये जो आपकी रेड कलर में दिख रही है वाली, ये आपकी शॉर्ट वॉल है। हम कह सकते हैं ये आपकी क्या हो जाएगी, लॉन्ग वॉल, और ये हो जाएगी आपकी शॉर्ट वॉल। तो यहां हमने आज सीख लिया कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है सेंटर लाइन मेथड। तो अभी हमने करा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, नेक्स्ट हम करेंगे सेंटर लाइन मेथड। तो इन दिस मेथड इट इज suitable for walls for similar cross section. This method is suitable for walls of similar cross sections. Here the total centerline length is multiplied by the breadth and depth of the respective item to get the total quantity of the item. This is item. When the cross walls or partitions or veranda walls join with main, the center line length get reduced by half of the breadth for each junction. Such junctions or joints are studied carefully while calculating total center line length. The estimate prepared by this methods are most accurate and quick. So, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये method जो है center line method जो है बहुत ज़्यादा accurate method है और quick, जल्दी से अगर हमें कोई calculation करनी है तो हम center line method से करते हैं। मगर इस center line method के अंदर जो जॉइंट्स हैं वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे एक रूम ये है, दूसरा रूम ये है, और इसके अंदर एक ये किचन बनी है, तो इसमें बहुत सारे जॉइंट्स आ गए। एक ये जॉइंट आ गया, एक ये जॉइंट आ गया, बाय मान लिया यहाँ पे एक आपका वरेंडा है, तो
एक जॉइंट ये आ गया, तो जितने ज्यादा जॉइंट आएंगे, दीज आर द जॉइंट्स, ठीक है, ये जॉइंट्स हैं, तो जितने ज्यादा जॉइंट्स आएंगे उतनी गलती होने की चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो सेंटर लाइन मेथड जो है वो आपका शॉर्टेस्ट यानी कि क्विक मेथड है, मगर ये मेथड बहुत ज्यादा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स के केस में कैलकुलेशन करनी बड़ी टिपिकल टास्क हो जाता है। तो इसमें सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं कि जितनी भी सेंटर लाइन्स हैं उनकी लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सारी सेंटर लाइन की लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं और सारी लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद वॉल की विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आता है, एरिया आ जाता है ये पूरा। अगर मान लिया मैं सारी सेंटर लाइन्स को ऐड कर दूं, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ और यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ठीक है, ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास ये पूरी जो वॉल है उसकी लेंथ पर चल जाए, और उस पूरी लेंथ की मैं इस विड्थ से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। और अगर इस एरिया की मैं डेप्थ से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर जो सेंटर लाइंस हैं उसकी डिस्टेंस को हमने ऐड कर लिया, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये पहली दो सेंटर जो ये सेंटर लाइंस थी इसके बीच की डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली, मान लिया डिस्टेंस एक्स थी, और फिर दूसरी जो सेंटर लाइन है यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस आपकी वाई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे टोटल वॉल की लेंथ, ये पूरी वॉल की लेंथ चाहिए यहां से लेके यहां तक, पूरी जितनी वॉल आपको दिख रही है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों को मिला के, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वॉल है, दो हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं और दो वर्टिकल वॉल्स हैं, इनकी टोटल लेंथ चाहिए, तो क्या करेंगे 2 × x + y। अगर 2 × x + y कर देंगे तो हमारे पास पूरी सेंटर लाइंस की लेंथ आ जाएंगी, और इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विड्थ से, मान लिया विड्थ जो है इसकी जो वॉल है यहां से लेके यहां तक, ये विड्थ जो है ये आपकी z है, तो अगर हम इसकी z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया कौन सा है, ये जो आपको हैच एरिया लग रहा है, ये हैच एरिया आ जाएगा, ये हैचिंग वाला आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। और इस एरिया में अगर मैं इसकी डेप्थ की मल्टीप्लाई कर दूं, मान लिया d इज द डेप्थ, अगर हम इसकी डेप्थ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो दिस इज द सेंटर लाइन मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड के अंदर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये इसमें जंक्शन आ गया, तो ये कभी कभी क्या होता है कि जंक्शन जो है दो बार कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां से लेके यहां तक की, क्योंकि अभी बीच वाली लेंथ बची है, यानी कि अभी ये वाली जो है सेंटर लाइन, जो बीच वाली वॉल है, ये वाली वॉल है, इसका हमें कैलकुलेशन बची है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या करेंगे, हम यहां से लेके यहां तक की लेंथ उठाएंगे पूरी, क्योंकि सेंटर लाइन से यहां से लेके यहां तक की सेंटर लाइन की डिस्टेंस हमें पता है, और इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी विड्थ से, यानी कि जो इसकी विड्थ होगी, इसकी विड्थ कितनी है, मान लिया जेड, तो अगर इस यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है वाई, और वाई की मैं जेड से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इंटू जेड, अगर वाई की हम जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। मगर इस केस में आपको दिख रहा है कि जॉइंट जो है ये दो बार कैलकुलेट हो गया, ये पहले वाले इसमें भी कैलकुलेट हो गया, इसमें भी कैलकुलेट हो गया और यहाँ भी कैलकुलेट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जॉइंट के केस में यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो जॉइंट के केस में क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, एक बार यहां से माइनस करना पड़ेगा और एक बार हमें यहां से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने दो बार कैलकुलेट कर लिया। ओके,